नमस्कार दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट टू। हालांकि मुझे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब देख के लग रहा है कि यूपीएससी की सिलेबस से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चिंता मत करिए, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब को मैं बहुत तेजी से ख़त्म करूंगा। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की हमने बात कर ली थी, यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में बस इतना ही फर्क है कि कार्डिनल वाली एनालिसिस में हमने टोटल यूटिलिटी को नंबर्स में व्यक्त किया था, क्वांटिफिकेशन किया था, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हम लोग टोटल यूटिलिटी को नंबर्स में डिपिक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे यह बोला गया कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि भाई वो यूटिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं, नंबर्स में दिखाते हैं, जबकि ऐसा बोला गया है कि रियल लाइफ में आप कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, आप यूटिलिटी को कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि भाई आप हफ्ते में 2 मूवीज देखना चाहते हो, 3 सीरियल देखना चाहते हो, या फिर आप एक हफ्ते में 3 घंटा वीडियो गेम खेलना चाहते हो, 6 घंटा क्रिकेट खेलना चाहते हो, या कोई 4 घंटा वीडियो गेम खेलना चाहेगा, केवल 1 घंटा क्रिकेट खेलना चाहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि कंपेरेटिवली आप चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो अपनी यूटिलिटी को डिसाइड करने के लिए। लेकिन क्रिकेट खेलने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली और वीडियो गेम खेलने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, ये आप नंबर्स में डिपेक्ट नहीं कर सकते। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस नंबर्स में डिपेक्ट कर रहा था, जबकि नंबर्स में डिपेक्ट करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में अलग अलग चीज़ों की आप क्या प्रपोर्शन में उनको करना पसंद करोगे, इसको बोला जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो बेसिकली वी कैन रैंक various alternative combination in terms of having more or less utility. किसी चीज़ की ज़्यादा utility है, किसी चीज़ की कम utility है, इसको आप combination में रख के ordinal utility analysis कर सकते हैं। In other words, the consumer does not measure utility in numbers, though she often ranks various consumption bundles. यानी कि आपके पास 3-4 चीज़ें हैं, आपने उनका कंजम्पशन बंडल बना लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो गेम इतने घंटे, क्रिकेट इतने घंटा, हॉकी इतना घंटा, चेस इतना घंटा, टीवी इतने घंटा देखूंगा, तो एक बंडल बन गया। वो बंडल आपकी प्रेफरेंस को डिपेक्ट करता है। उन्हीं बंडल्स को यहाँ पे मैंगोस और बनानास, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया। ऑब्वियसली बात है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसलिए बनाया गया क्योंकि 2 वेरिएबल्स में चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जब 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो एक 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल कर दीजिए, इससे मुझे हेल्प मिलती है। आप वर्ड ऑफ द माउथ से भी मेरी मार्केटिंग कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को बता सकते हैं कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और बाकी किताबें कवर कर रहा हूँ, तो वो लोग आके वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की PDF के लिए, जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, NCERT के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है NCERT वेबसाइट पर। प्लस मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। आपकी ऑलमोस्ट सारी NCERT 6 से लेकर 12 तक की मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो अगर आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी मुझे। अब यहाँ पे मैंगोज़ और बनानास के बंडल्स को हम लोग देखने की कोशिश करें। देखिए, समझिए दोस्तों, ए पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है। ए पॉइंट ये डिनोट कर रहा है कि 15 मैंगोज़ और 1 बनाना का कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, 12 मैंगोज़ और 2 बनाना का कॉम्बिनेशन। सी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, 10 मैंगोज़ और 3 बनाना कॉम्बिनेशन। और डी पॉइंट क्या डिपिक्ट कर रहा है, 9 मैंगोज़ और 4 बनाना से कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बंडल्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में देखा था। द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स विच गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी आर जनरली बी जॉइन टू ऑप्टेन अ कर्व लाइक 1 इन फिगर 2.3। तो यहाँ पे कुल मिला के बताया जा रहा है कि ए के कॉम्बिनेशन पे, बी के कॉम्बिनेशन पे, सी के कॉम्बिनेशन पे और डी के कॉम्बिनेशन पे एक इंडिविजुअल को बराबर यूटिलिटी मिल रही है। यानी ये जो इनडिफरेंस कर्व खींच रखा है, जो लंबी लाइन खींच रखी है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जो यूटिलिटी होगी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए वो बराबर होगी। यही देखिए लिखा हुआ है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ बंडल गिव्स द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी। इस इनडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को बराबर की यूटिलिटी देगा, और जब बराबर की यूटिलिटी देने वाले पॉइंट्स को आप जोड़ देते हो एक कर्व से, तो वो कहलाता है इनडिफरेंस कर्व। यानी इस ग्राफ पे अगर आप ABCD के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देते, केवल ABC और D के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके लाइन जोड़ देते, तो वो लाइन क्या कहलाती, इनडिफरेंस कर्व। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे खींची नजर आ रही है, ये क्या है, ये बेसिकली एक इनडिफरेंस कर्व है।
इस लाइन का हर पॉइंट कंज्यूमर को बराबर यूटिलिटी देता है। ठीक है भाई, मतलब ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट्स पे अगर कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बनानास बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो कम होते जा रहे हैं। यानी एक बनाना अगर कंज्यूमर एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा तो उसको कुछ मैंगो छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो बनाना बढ़ रहे हैं तो कुछ मैंगो छूट रहे हैं, उसके चलते में जो इनडिफरेंस कर्व है ना वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ मैंगोज दैट द कंज्यूमर हैज टू फोरगो इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल बनाना हर टोटल यूटिलिटी लेवल बीइंग द सेम इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ओवरऑल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की अगर अनचेंज्ड है तो भाई कहीं ना कहीं जितने अमाउंट ऑफ मैंगोज छोड़ने पा रहे हैं उस कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए, उस रेट को बोला जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देखिए यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसका मॉड लिया गया है। ये जो तीन है ना ये रेफरेंस है, तीन रेफरेंस क्या बता रहा है कि मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स का ये मॉड लिया, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मॉड लिया गया है। मतलब कि अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो ठीक है, बट अगर लेस देन जीरो आता है माइनस आ जाता है तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप बस रेशियो ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेशन करें यहाँ पे देखिए, ओके ए कॉम्बिनेशन पे नंबर ऑफ बनानास थे 1, नंबर ऑफ मैंगोज थे 15, बी कॉम्बिनेशन पे नंबर ऑफ जो बनानास हो गए वो 2, नंबर ऑफ मैंगोज हो गए 12। अभी डेल्टा वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करोगे 12 - 15, और डेल्टा एक्स कैलकुलेट करोगे तो 2 - 1 करोगे, तो ये 12 - 15 तो -3/1 हो जाएगा। तो क्या रेशियो -3/1 होगा? नहीं, इसका मॉड +3 होगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव रेशियो लोगे। तो ए से बी कॉम्बिनेशन में पहुंचे तो टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी थी, टोटल नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन थी, वो तो कॉन्स्टेंट रहा, एक एक्स्ट्रा बनाना मिला तो 3 मैंगो छोड़ने पड़ गए। ये तो थी ए से बी की कहानी। बी से सी की कहानी में बी का सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है, सी का सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है, बनाना कितने बढ़े? एक बनाना बढ़ा। मैंगोज कितने छोड़ने पड़े? 2। तो पहले स्टेप में एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए 3 मैंगो छोड़ने पड़े थे, दूसरे स्टेप में एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए 2 मैंगो छोड़ने पड़े, तीसरे स्टेप में एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए 1 ही मैंगो छोड़ना पड़ा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप कैलकुलेट कर लो, 12 - 15 / 2 - 1 का मॉड क्या आ गया? 3:1। 10 - 12 मतलब -2 / 3 - 2 मतलब 1, तो कितना आ गया? 2:1। 9 - 10 आ गया -1, 4 - 3 आ गया 1, तो कितना आ गया? 1:1, क्योंकि इसका मॉड लेना है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए टू बी में आ रहा 3:1, बी टू सी में आ रहा 2:1, और सी टू डी में आ रहा है 1:1। ठीक है भाई, तो आपको क्या दिख रहा है कि हर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बनाना जब आप ले रहे हो, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये रिड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा बनाना ले रहे हो, वैसे वैसे जितनी क्वांटिटी ऑफ मैंगो छोड़नी पड़ रही है वो घट रही है, और जितनी क्वांटिटी ऑफ मैंगो जो छोड़नी पड़ रही है आपको एक एक्स्ट्रा बनाना लेने के लिए, अगर वो घट रही है तो इस घटने वाले फैक्टर को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। The tendency for marginal rate of sustenance to fall with increase in the quantity of banana is known as law of diminishing marginal rate of substitution. यानी A से B में गए तो एक बनाना के लिए 3 मैंगो छोड़ने पड़े, B से C में गए तो एक बनाना के लिए 2 मैंगो छोड़ना पड़ा, C से D में गए तो एक बनाना के लिए केवल 1 ही मैंगो छोड़ना पड़ा। यानी जैसे जैसे बनाना का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मैंगोज जो आपको छोड़ने हैं वो घटते जाएंगे। फिर बात करते हैं शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। लेकिन भाई आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो इनडिफरेंस कर्व है ना ये कर्व नहीं रहेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में। यहाँ पे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप समझिए, एक एक्स्ट्रा बनाना मिल रहा था तो आप मैंगोज छोड़ रहे थे, पहली बार में 3 मैंगो छोड़े, दूसरी बार में 2 मैंगो छोड़े, तीसरी बार में 1 ही मैंगो छोड़ा। यानी कहीं ना कहीं एक मैंगो और एक बनाना की कीमत अलग अलग है। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं ना तो पिक्चर बदल जाती है, तब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला लॉ लागू नहीं होता है। ये लागू क्यों नहीं होता है?
इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास 5 रुपए के नोट हैं 1 और 5 रुपए की जो कॉइन है वो है 8। अब बी वाली कंडीशन में उसके 5 रुपए के नोट 1 से 2 हो जाते हैं तो उसके 5 रुपए की कॉइन 8 से 7 ही होंगे, 8 से 5 नहीं होंगे। फिर उसके 2 रुपए, ये जो 5 रुपए वाले नोट हैं वो 2 से 3 हो जाते हैं तो जो 5 रुपए वाली कॉइन है वो 7 से केवल 6 ही होंगे। 5 रुपए वाले नोट 3 से 4 हो जाते हैं तो 5 रुपए वाली कॉइन 6 से 5 ही होंगे। रीजन बीइंग कि 1 5 रुपए के नोट की और 1 5 रुपए के जो कॉइन की कीमत है ना वो बराबर है। जब कीमत परफेक्टली एक दूसरे के बराबर होती है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला नियम कानून नहीं बनता है। ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यहां पे रुपया 5 रुपए का नोट और 5 रुपए का कॉइन दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है वैल्यू में, लेकिन बनाना और मैंगो के केस में ऐसा नहीं था। और यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये तीनों केसेस में 1:1:1:1 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 रुपए का नोट 5 रुपए के कॉइन का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था तो MRS का नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ये इसका ग्राफ बना रखा है, क्वांटिटी ऑफ 5 रुपीज नोट, क्वांटिटी ऑफ 1 रुपीज नोट। तो 8.1 का कॉम्बिनेशन और 7.2 का कॉम्बिनेशन, 6.3 का और 5.4 का कॉम्बिनेशन, 8+1=9, 7+2=9, 6+3=9, 8+1=9। क्यों, रीजन क्या है इसका, सॉरी 5+4=9, रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई एक 5 रुपए के कॉइन की और एक 5 रुपए के नोट की वैल्यू आइडेंटिकल है। ठीक है भाई, आप देखते हैं ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में आप बंडल्स को कंपेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे 8.1, 7.2, ऐसे मान लो कोई बंडल है x1, x2 और y1, y2। इसमें बस यही बोला जा रहा है कि मान लो कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर है, मान लो x2, y2 के बराबर है। तो अगर x2, y2 के बराबर है तो x1, y1 में जो बड़ा होगा वो बड़ी वाली वैल्यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करेगी। या फिर मान लीजिए x1, y1 के बराबर है तो x2, y2 में जो बड़ा होगा वो बड़ी वाली वैल्यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करेगी। फॉर एग्जाम्पल 7.2, 7.4 ये मैंगोस और बनाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले केस में मैंगो है 7, दूसरे केस में मैंगो है 7, पहले केस में बनाना है 2, दूसरे केस में बनाना है 4। तो मैंगोस तो दोनों केसेस में बराबर हैं बट दूसरे केसेस में बनाना 4 है, तो ऑब्वियसली बात है इंसान की सेटिस्फैक्शन और वांट दूसरे केस में ज़्यादा होगी क्योंकि एक वेरिएबल तो दोनों में बराबर है, जो वाला वेरिएबल, जो दूसरा वाला वेरिएबल बड़ा है वो ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा बनेगा, 7.2 वाला इंडिफरेंस कर्व ऐसा हुआ तो 7.4 वाला ऐसा होगा। ठीक है भाई, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मैंगो और बनाना के केस में कर्व बन रहा है 5.8 और 3.8 का। ठीक है, तो मैंगो बनाना में 5.8, 3.8, तो बनाना तो दोनों केसेस में बराबर है। मैंगो जो 5 वाला केस है, ये 5.8 वाला केस ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूटिलिटी देगा रेदर देन 3.8। इसको बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में x1, x2 या y1, y2 में कोई एक वेरिएबल दूसरे के बराबर है तो जो बराबर नहीं है उसमें जो बड़ा वेरिएबल होगा वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को डिनोट करेगा। और वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूटिलिटी आपको यहाँ दिख रही है मैंगोज और बनानास। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर जितना ज़्यादा बड़ा इलाका आता चला जाएगा, उतना ही बड़ा उसका यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन का लेवल होता चला जाएगा। ठीक है ना भाई, तो मान लीजिए एक ऐसी लाइन खींच रखी है, इस लाइन पे ये वाला जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट, और एक मान लीजिए बी पॉइंट है, एक मान लीजिए सी पॉइंट है, तो ए वाले पॉइंट का सेटिस्फैक्शन बी से ज्यादा होगा, बी वाले पॉइंट का सेटिस्फैक्शन सी से ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली बात है ए वाले पॉइंट का सेटिस्फैक्शन भी सी से ज्यादा ही होगा। इस चीज को अभी मैं क्लियर कट एग्जांपल से भी समझाया गया है, फिर से इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इंडिफरेंस मैप में क्या लिख रखा है, द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिखा रखी है 2.5 में, दिस इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप ऑफ द कंज्यूमर। All points on an indifference curve represent bundles which are considered indifferent by consumer. Monotonicity of preferences imply that between any two indifference curves, the bundle on the one which lies above are preferred to the bundles on the one lies below. यानी कि
अगर आप इन तीन इनडिफरेंस कर्व्स को देखो, मान लीजिए उसको वन मान लो, दूसरे वाले को दो मान लो, सबसे ऊपर वाले को तीन मान लो, तो जो सबसे ऊपर वाला तीन है ना, अगर आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना है तो तीन वाला बंडल, तीन वाले जो इनडिफरेंस कर्व है, इसका कोई भी पॉइंट दो वाले इनडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सिमिलरली दो वाले इनडिफरेंस कर्व का कोई भी पॉइंट वन वाले इनडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल देगा। यानी कि जो इनडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि यहाँ थ्री का आ रहा है, इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो इससे नीचे वाले बाकी इससे नीचे वाले सारे इनडिफरेंस कर्व से ज्यादा ही होगा। सिमिलरली दो वाले इनडिफरेंस कर्व का, ये सेकंड वाले इनडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन लेवल फर्स्ट वाले इनडिफरेंस कर्व से ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फीचर्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ बताया जा रहा है कि लेफ्ट से राइट ही जाता है नीचे इनडिफरेंस कर्व। क्यों जाता है? क्योंकि भाई देखिए, अगर आपको बनाना ज्यादा चाहिए तो मैंगोज छोड़ने पड़ेंगे। अभी आप मैंगोज में ऊपर की तरफ हो, आप बनाना ज्यादा लोगे तो राइट जाने के लिए आपको बनाना ज्यादा लेने, राइट जाने के लिए आप बनाना ज्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं मैंगो आपको छोड़ने पड़ जाएंगे। याद रखिए, एक इनडिफरेंस कर्व में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप नंबर ऑफ मैंगोज उतने ही रखो और बनाना ज्यादा ले लो। अगर आप नंबर ऑफ मैंगोज उतने ही रखना चाहते हो, बनाना ज्यादा लेना चाहते हो, तो आपको दूसरे इनडिफरेंस कर्व पे जाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक इनडिफरेंस कर्व पे आप बनाना ज्यादा ले लो और मैंगोज को कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आप मैंगो को बिना कॉम्प्रोमाइज किए बनाना ज्यादा लेना चाहते हो तो आपको दूसरे इनडिफरेंस कर्व पे जाना पड़ेगा। यानी जब तक आप एक इनडिफरेंस कर्व पे हो, दस एज लॉन्ग एज द कंज्यूमर इज ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व, एन इंक्रीज इन बनानास मस्ट बी कंपनसेटेड बाय अ फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ द मैंगो। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखिए यहाँ पे, हायर इनडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है ना भाई, मतलब जैसे जैसे आप इनडिफरेंस कर्व को ऊंचा करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी की पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है जो कमोडिटी ज्यादा है उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी के साथ डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल 2.4 चीजें आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैंगोज 10 है, ए में क्वांटिटी ऑफ बनाना 1 है, बी में क्वांटिटी ऑफ मैंगो 10, क्वांटिटी ऑफ बनाना 2, सी में क्वांटिटी ऑफ मैंगोज 10, क्वांटिटी ऑफ बनाना 3। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए, तीन इनडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं। ए पे आपके पास 10.1 का रेशियो है, बी पे 10.2 का, सी पे 10.3 का, IC2, IC1, IC3। तो सबसे ज्यादा ऊंचा इनडिफरेंस कर्व कौन सा है? ऑब्वियसली बात है IC3 है। तो आप क्या समझ सकते हो, सी पे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, यूटिलिटी लेवल होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अब तक आपको लॉजिक बताया, ए बी और सी में मैंगो का लेवल तो सेम ही है ना, लेकिन बनाना का लेवल सी में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सी में। बी के लेवल की बात की जाए, बी को अगर ए से कंपेयर करो तो मैंगोज तो 10 ही 10 हैं, पर बी पे बनानास 2 हैं और ए पे बनाना 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है बी का यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन लेवल ए से ज्यादा है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। सिंस कॉम्बिनेशन ऑफ बी हैज मोर बनानास देन ए, बी विल प्रोवाइड अ इंडिविजुअल हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए, देयरफॉर बी विल लाई ऑन अ हायर इनडिफरेंस कर्व। तो बी इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है IC2 पे, ए लाई कर रहा है IC1 पे। सिमिलरली सी के पास बनानास ज्यादा है बी से, ठीक है, तो इसलिए सी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बी से ज्यादा है, क्योंकि दोनों के पास मैंगो सेम है। तो जितना हायर इनडिफरेंस कर्व होगा, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन विद मोर नंबर ऑफ मैंगोज और मोर ऑफ बनानास और मोर ऑफ बोथ, मतलब कि अगर एक चीज कॉन्स्टेंट हो तो कोई एक वेरिएबल जाता हो या तो दोनों वेरिएबल जाता हो, तो ऐसे केसेस में आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा है, ये पॉइंट ये है कि भाई दो इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे IC1 और IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नजर आ रहे हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इनडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है, तो ये जो ए वाला पॉइंट है ये IC1 पे भी पड़ रहा है, IC2 पे भी पड़ रहा है। अभी IC1 पे एक और पॉइंट है बी, बी में है 9.7। बी में 9.7 का मतलब क्या हो गया कि भाई 9 बनानास और 7 मैंगोस, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, 7 बनानास 10 मैंगोस। अब ए 7 बनानास 10 मैंगोस और बी 9 बनानास 7 मैंगोस, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है ए,
ये भाई बी के भी बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आई सी वन और आई सी टू दोनों इनडिफरेंस कर्व हैं, तो इनडिफरेंस कर्व पे हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। तो अगर ए पे 7.10 आई सी वन तो बी के 9.7 के बराबर होगा, चूंकि इनडिफरेंस कर्व है। सिमिलरली ए का 7.10 सी के 9.5 के बराबर होगा, ओके, जो ये वाला पॉइंट है बेसिकली। अब अगर आप बी और सी को कंपेयर करो तो हम बी और सी को देख के बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि बी पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो यूटिलिटी लेवल है, वो सी से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि नंबर ऑफ बनानास दोनों केसेस में 9 ही है, लेकिन नंबर ऑफ मैंगोज बी वाले केस में ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस आ जाती है कि भाई जब नंबर ऑफ बनाना सेम है बट नंबर ऑफ मैंगोज ज़्यादा आ रहे हैं तो ओवरऑल बी का सेटिस्फेक्शन लेवल सी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक बात तो प्रूव हो गई कि दो इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट करने के चलते पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। हैंस प्रूव्ड टू इनडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये इनडिफरेंस कर्व्स के बारे में हमने बात की और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के और फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।